भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सह यूपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के टाउन हॉल में आयोजित उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिभा सम्मेलन में शिरकत किया। कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सिवान की सांसद कविता सिंह और राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रांतीय अध्यक्ष सह जदयू नेता अजय सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कई लोगों ने कहा कि वह बीजेपी से हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह मेरा कार्यक्रम है। पहले मैं राम का वंशज हूं, फिर उत्तर भारतीय हूं, तब बीजेपी का सांसद हूं। जितना रामन ने राम का अपमान नहीं किया, उतना ठाकरे ने उत्तर भारतीय का अपमान किया है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए 5 लाख लोगों की भीड़ रहेगी। जब तक ठाकरे उत्तर भारतीय से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह राम के भक्त हैं, हम भी राम के भक्त हैं। ठाकरे से कोहिनूर का हीरा नहीं मांगा। राज ठाकरे ने सस्ती और गंदी रणनीति के लिए उत्तर भारतीयों को परेशान किया है। आपका स्वागत है। कर्मचारी
यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावकों को जनता जनार्दन को मंच पर उपस्थित सभी उत्तर भारतीय अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज आप जिस धीरे के साथ उत्तर भारतीयों के सम्मान में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी आग्रह करना चाहूंगी कि आगे भी, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि बिहार में उत्तर प्रदेश के जितने भी नागरिक थे, मजदूर थे, विभिन्न राज्यों में थे, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसी मैंने कहा मेरा राज्य आपके यहाँ है,
ननिहाल मेरा बापुर सामान्य परिवार में पैदा हुआ, दुनिया का कोई कष्ट ऐसा नहीं है जिसको मैंने झेला, दुनिया का कोई कष्ट ऐसा नहीं है जो मैंने झेला, लेकिन इसी धरती पर एक शख्सियत पैदा हुई थी जिसका नाम था रामधारी सिंह। और जब जब मैं परेशानी में आता था, जब मेरे सारे रास्ते बंद हो जाते थे, केवल अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता था, गड्ढा गड्ढा दिखाई पड़ता था, तो कक्षा दो से उस कविता को पढ़ रहा। सच है विपत्त जब आती है, सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही ठहराती है, सूरमा नहीं विचलित होती, फल एक नहीं धीरज होती। लोगों ने इस कविता को एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं इस कविता पर जिया। ये कविता मेरी गुरु है, ये कविता मेरी गुरु है, ये कविता मेरा दर्शन है। और कम से कम मैं 100,000 बार इस कविता को पढ़ चुका हूं, 100,000 बार। ये मेरा हनुमान चालीसा है। जब मेरे सारे रास्ते बंद हो जाते थे तब इस कविता को पढ़ता था। सच है
पार्टी से आपने पूछा करना, हमने कहा नहीं पूछा। हमने कहा भैया सुनो, पहले मैं राम का वंशज हूँ, फिर उत्तर भारतीय हूँ और फिर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। मैं अपना कर्म निभाऊंगा और इसीलिए मैंने कहा किसी सोने को नफरत से, किसी सोने को नफरत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम सब एक बागी हैं। क्या मांगा था दोनों कही ना, मैंने यहां तक कहा हमारे संतों से माफी मांग लो, अगर उत्तर भारतीयों से माफी मांगने में शर्म आती है तो संतों से माफी मांग लो, मोदी जी से माफी मांग लो, योगी जी से माफी मांग लो, माफी मांग लो। और मेरे भाइयों, देश का ये पहला आंदोलन है अखबार वालों, देश एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, आपके यहां मेरा जाऊ है, यही का मैं खून हूं। 6 बार मैं सांसद हुआ, 1 बार मैंने अपनी सांसद बनी, 2 बार मेरा बेटा विधायक बना। और भाइयों, आपका ये नटीना ना भगीना नटीना जो कहो, ये सांसद बनाना और बिगाड़ना जानता है। हम सांसद के लिए मुकाम नहीं, हम सांसद के लिए मुकाम नहीं, हमारी कोई चाह नहीं है, हमारी जीवन पथो संकटमय हो, विपदाओं का घोर बल हो, किंतु कामनाए यही बस प्रतिपल प्रकट मान चाहिए। मां बसिए मेरे वरदान चाहिए, मां बसिए वरदान चाहिए। हाथ मिले या पास मिले, लोग हंसे या बन दे, हाथ मिले या पास मिले, विश्वास मिले या फांस मिले, करने का वरदान ही सम्मुख जीवन का अभिमान चाहिए, मां बसिए वरदान चाहिए। और एक मैंने पढ़ा था, मेरी हार देश की जय हो, मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन टूटन को बस इतना सम्मान चाहिए, मां बस ये बरदान चाहिए, कोई काम नहीं। इसलिए मैंने ऐलान किया है कि राज ठाकरे माफी मांग लो। ये बार बार अहम देश है, हमने सकाए उनको भी गले लगा लिया, मुड़ाए उनको भी गले लगा लिया, जचाए उनको भी गले लगा लिया, यूनानी आए उनको भी गले लगा लिया, पूर्व आए उनको भी गले लगा लिया, मंगोल आए उनको भी गले लगा लिया, मुगल आए उनको भी गले लगा लिया, फ्रांसीसी आए उनको भी गले लगा लिया, अंग्रेज आए अरे हमने तो सबको गले लगाया, सबने मेरे पीठ में छुरा फोड़ा, लेकिन इस देश ने सबको गले लगाया। कोई व्यापार करने के बहाने आया, कोई प्रचार करने के बहाने आया, और हमने तो सबको गले लगा लिया। और राज ठाकरे तुम तो अपने हो, बस एक बार बोल दो, जाने अनजाने जो गलती हुई मैं उत्तर भारतीयों से क्षमा मांगता हूँ, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, मजहब के आधार पर आगे भेद नहीं करूंगा, मांग लो आ जाओ, और नहीं मांगे, नहीं मांगे तो केवल सोते में चित्र बनाओगे कि बिहार कैसा है, झारखंड कैसा है, अब यहाँ का नौजवान तुमको कभी भी आने नहीं देगा।
कभी भी आने नहीं देगा। बीच बात बीच में चली थी, अगर राज ठाकरे आ जाए माफी मांग रहे तो क्या 5 तारीख को आ सकते हैं? हमने कहा नहीं, क्योंकि 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने, 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने अयोध्या को भुक्का लिया है। अयोध्या की क्षमता 2.5-3 लाख लोगों की है और हमने 5 लाख का आह्वान किया है। चिंता मत करिएगा, 4,99,999 हो जाए तो मुझे थप्पड़ मार दीजिएगा। अयोध्या में झगड़ा नहीं रहेगी, अयोध्या में झगड़ा नहीं रहेगी। उत्तर भारतीयों ने तय कर लिया है, तय कर लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र ही नहीं देश के किसी भी कोने में अगर उत्तर भारत होने के नाते, उत्तर भारतीय होने के नाते हमको कहीं भी कोई भी अपमानित करेगा तो एक बार वो अयोध्या का दृश्य जरूर देखेगा कि 5 जून अयोध्या का दृश्य जरूर देखेगा और उसके बाद अंतर जरूर आएगा। इन शब्दों के साथ थोड़ा छोटी जोड़िया मुझे जाना है, फिर इसके बाद अजय से मैंने कहा है कार्यक्रम के बाद ही बुलाएंगे और किसी कार्यकर्ता के घर बुलाएंगे, किसी कार्यकर्ता के गाँव में जाएंगे, अब तो वहीं पर बैठ करके बातचीत होगी और